मूवी स्टार्ट होते ही हमें लेक के नजदीक एक घर दिखाई देता है जिसमें एक मैरिड कपल रह रहा होता है। उस वक्त आधी रात गुजर चुकी होती है, तब एक लेडी अपने रूम में सो रही होती है, लेकिन उसका हस्बैंड बाहर ड्रिंक कर रहा होता है। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज्यादा डरा हुआ हो। वो एक पेंटिंग को काफी देर से बड़े गौर से देख रहा होता है। फिर कुछ देर के बाद वो मिरर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और शीशे में अपना सर मारता है, जिससे उसे काफी चोट लगती है। जब उसकी वाइफ को ये आवाजें सुनाई देती हैं, तब वो जाग जाती है और उसे देखने नीचे आ जाती है। उसका हस्बैंड बहुत अजीब कंडीशन में होता है, वो उसे भी एक आयरन स्टिक से मार डालता है। फिर काफी साल गुजर चुके होते हैं और एक बार फिर हमें एक फैमिली दिखाई देती है और ये फैमिली काफी हैप्पी फैमिली होती है। इस फैमिली में हस्बैंड वाइफ जो कि अपनी लाइफ बहुत खुशी खुशी स्पेंड कर रही होती हैं, जिसमें लड़के का नाम एडम और लड़की का नाम लिसा होता है। बेसिकली एडम एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर होता है। अभी कुछ अरसा पहले ही एक यूनिवर्सिटी से उसे बहुत ही अच्छी जॉब ऑफर होती है, जिसकी सैलरी भी काफी अच्छी होती है, और साथ में वो लोग उसे रहने के लिए एक खूबसूरत सा घर भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो काफी खुश होता है। फिर वो लोग सिटी से टाउन उस घर में आकर शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ मेलिसा प्रेग्नेंट होती है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इस बात को लेकर उन दोनों के दरमियान काफी डिस्कशन होती रहती थी कि वो बेबी बॉय होगा या फिर गर्ल। अगर बेबी बॉय हुआ तो उसका नाम एडम जूनियर रखा जाएगा, और अगर बेबी गर्ल तो उसका नाम लिसा जूनियर। वो लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं और मजीद इस घर की वजह से। उनका घर बहुत ही खूबसूरत और काफी बड़ा होता है, और वो लोग अपने बेबी के लिए उसका रूम भी चूज कर लेते हैं। और उसी दिन लिसा की बहन बिकी ने उनके लिए एक गिफ्ट भेजा होता है, और उसमें एक माइस्टीरियस बॉक्स होता है। एडम उस बॉक्स को ओपन करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं खुलता, जिससे वो उन्हें लगता है कि शायद बिकी ने उनके साथ कोई मजाक किया हो। मगर फिर भी वो उस बॉक्स को रख लेते हैं, और अगले दिन एडम अपने काम पर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो लिसा को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है कि वो अपना ख्याल रखेगी और वो वेट भी नहीं उठाएगी, खास तौर पर बेबी क्रिब, क्योंकि अभी तक उन्होंने बेबी के रूम की सेटिंग नहीं की थी। और वो ये भी कहता है कि हम दोनों मिलकर उसे सेट कर लेंगे। लेकिन जब एडम चला जाता है, तब लिसा खुद को बहुत ज्यादा बिजी कर लेती है। वो बेबी रूम की काफी सेटिंग कर लेती है, इवन के बेबी क्रिब को भी, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि वो क्रिब इतना हैवी है। फिर उसका जहन उस बॉक्स की तरफ जाता है जो एडम से ओपन नहीं हुआ था। और यहाँ पर एक अजीब चीज ये होती है कि लिसा से वो बॉक्स इजीली खुल जाता है, और जब वो उसे ओपन करती है तो वो बिल्कुल खाली होता है। फिर वो उस बॉक्स को रख देती है और वॉक पर चली जाती है। तब उसे एक औरत नजर आती है जो रो रही होती है, और उसकी बॉडी पर भी ब्लड लगा होता है, और वो बार बार एक ही लफ्ज बोल रही थी कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया है। उसकी ये हालत देखकर लिसा उसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन वो लिसा को देखकर अजीबो अजीब बातें करना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है कि जो बच्चा तुम्हारे पेट में है वो तुम्हारा नहीं रहेगा, वो उसे ले जाएगा और लोग भी तुमसे डरना शुरू कर देंगे, और ये भी कहती है कि तुम अपने बच्चे को बचा नहीं सकोगी। ये बातें सुनकर लिसा काफी डर जाती है और वो वापस घर आ जाती है। फिर वो एडम को कॉल करती है और सारे इंसिडेंट का उसे बताती है, लेकिन उस दिन से लिसा के साथ अजीबोगरीब होना शुरू हो जाता है। उसे बेबी रूम से किसी बच्चे की रोने की आवाजें आती हैं। फिर हालात को समझने के लिए वो ऊपर जाकर देखती है, तो जो चीज वो देखती है उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो देखती है कि बेबी क्रिब में एक बच्ची लेटी हुई है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये कोई ख्वाब नहीं होता बल्कि हकीकत होती है। और फिर जैसे ही वो उस बच्ची को गोद में उठाती है, तब उसका चेहरा अचानक से बदल जाता है, और इसके बाद लिसा अपने होश खो बैठती है। और शाम को जब एडम घर वापस आता है, तो वो देखता है कि लिसा काफी जख्मी हुई है और उसका काफी खून भी निकल चुका होता है। वो फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर लिसा तो बच जाती है, लेकिन उसका मिसकैरेज हो जाता है। और इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात ये होती है जब डॉक्टर उसे बैड न्यूज सुनाती है कि लिसा अब कभी भी मां नहीं बन सकेगी, और शायद उसका मिसकैरेज कोई हैवी चीज उठाने से हुआ है, जिससे एडम को ये लगता है कि शायद ये बेबी क्रिब की वजह से हुआ। और उसने लिसा को मना किया था, लेकिन उसने उसकी नहीं मानी। ये बात सुनकर लिसा की बहन बीकी भी उनके घर आती है, और वो ये डिसाइड करती है कि वो कुछ दिन लिसा के साथ ही रहे, ताकि लिसा जल्दी से अपनी नॉर्मल हालत में वापिस आ जाए। इस वाकये के बाद एडम कई मरतबा लिसा से ये पूछने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हुआ,
और उस दिन ऐसा क्या हुआ था? क्या उसने वाकई कोई हैवी चीज उठाई थी? इसके जवाब में लिसा उसे सच बता देती है, वो जंगल वाला इंसिडेंट, वो स्ट्रेंज वुमेन, फिर बेबी के रूम से बच्चे के रोने की आवाजें और वहां पर उस छोटी बच्ची का मिलना। और जैसे ही उस बच्ची को गोद में उठाया उसे कुछ भी याद नहीं रहा क्योंकि तब वो अपने होश खो बैठी थी। यहां पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि उनके साथ कुछ अजीबोगरीब हो रहा था। और साथ में एडम को वो मिस्टीरियस बॉक्स भी मिल जाता है जो अब इजीली ओपन हो रहा था। तब एडम लिसा को बताता है, जिस पर वो कहती है कि इस बॉक्स को तो मैंने उसी दिन खोल लिया था जब ये वाक्या पेश आया। और फिर वो बिकी से पूछते हैं कि उसने उन्हें ये बॉक्स क्यों दिया जो पहले तो नहीं खुल रहा था और अब खुल चुका है और खाली भी है। जिस पर वो कहती है कि ये मैंने किसी घर की आइटम्स की सेल पर खरीदा था और मैंने इसको लिसा को गिफ्ट कर दिया। लेकिन रियलिटी तो ये होती है कि उस बॉक्स ने पहले तो बिकी को अट्रैक्ट किया और फिर लिसा को, तभी तो उसने ये बॉक्स ओपन कर लिया था। लेकिन उन लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता और फिर नॉर्मल लाइफ चलती रहती है। और फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद लिसा को अपने घर से कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है जिसे वो बता भी नहीं सकती थी। जैसे अक्सर घर के मिरर्स में लिसा का रिफ्लेक्शन काफी अजीबोगरीब बिहेव करता। और एक सुबह जब बिकी और लिसा योगा कर रही होते हैं तब एक बार फिर लिसा को किसी बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं। इस बात को वो बिकी से भी शेयर करती है। वो काफी डर जाती है और फिर से चेक करने बेबी के रूम में चली जाती है। और इस बार फिर बेबी क्रिब में एक बच्ची लेटी होती है लेकिन अब वो पहले से बड़ी हो चुकी होती है। और अजीब बात तो ये होती है कि वो सिर्फ लिसा को नजर आ रही होती है, बिकी को नहीं। फिर वो अपनी बहन को एक्सप्लेन करती है कि वो नॉर्मल है और वो वाकई एक बच्ची को देख रही है। फिर रात को एडम देखता है कि लिसा अपने बेड पर नहीं है। वो उसे देखने के लिए जाता है तब लिसा उसे फायरप्लेस के पास खड़ी हुई मिलती है जो कि एक पेंटिंग को मुसलसल घूर रही होती है। वो एडम को बताती है कि हमारे साथ कुछ अजीब हो रहा है क्योंकि जब हमारे साथ हादसा पेश आया तब ये पेंटिंग ऐसी नहीं थी और अब ये पेंटिंग बिल्कुल बदल चुकी है क्योंकि पहले उस पेंटिंग में ये था कि चार बच्चे खेल रहे थे और उन्हें एक औरत बैठकर देख रही थी लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता और वाकई ही वो पेंटिंग बदल चुकी होती है क्योंकि वो औरत अब अपने बच्चों की तरफ नहीं बल्कि साइड पर देख रही होती है। और इस बात को सिर्फ लिसा महसूस करती है, एडम नहीं। और वो उसे समझाता है कि तुम अपने बेबी को खो देने की वजह से ऐसी हो गई हो जिसकी वजह से तुम काफी अपसेट हो और तुम्हारी ऐसी हालत है। और फिर बिकी के साथ भी एक अजीब चीज होती है जब वो नोटिस करती है कि मिरर उसका रिफ्लेक्शन एज इट इज नहीं दिखा रहा और मिरर में नजर आने वाली लड़की बेकी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और फिर देखते ही देखते उसकी रिफ्लेक्शन उसे मारने की कोशिश करती है और उसके दिमाग पर ऐसा असर कर देती है कि वो अपनी बहन को बताए बगैर वहां से चली जाती है। लिसा को इस बात का बुरा तो लगता है लेकिन ये उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी बल्कि ऐसे इंसिडेंट तो उसके साथ हो रहे थे। और साथ में उसे हमेशा एक छोटी बच्ची भी दिखाई देने लगी जो उसे मामा कहती थी। लिसा इन सब से तंग आ चुकी होती है। वो एडम को कहती है कि हमारे इस घर में कुछ अजीब है जैसे कि, और वो इवल पावर्स है। और फिर वो कहती है कि आपकी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर डॉक्टर क्लार्क है जो कि एक अबनॉर्मल रिसर्चर है, शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। क्योंकि लिसा काफी डरी होती है और एडम उसकी बात मानकर डॉक्टर क्लार्क से मिल लेता है क्योंकि एडम तो इन बातों पर बिलीव नहीं रखता था। और वो डॉक्टर क्लार्क को कहता है कि वो लिसा का शक दूर करें। और जब डॉक्टर क्लार्क उनके घर में आते हैं तो उन्हें काफी अजीब चीजें महसूस होती हैं। असल में डॉक्टर क्लार्क बचपन से ही ब्लाइंड होते हैं लेकिन उनके पास एक एबिलिटी भी थी, वो बचपन से ही पैरानॉर्मल चीजों को महसूस कर सकते हैं। और वो लिसा को कहता है कि जो भी तुम लोगों के साथ हो रहा है उसकी वजह ये घर नहीं है बल्कि कुछ और ही है। और फिर उसे उस मिस्टीरियस बॉक्स के बारे में पता चलता है और फिर वो ये बात समझ जाते हैं कि एक अननोन इविल पावर थी जो उस बॉक्स में कैद थी और जैसे ही उसे ओपन किया गया तो वो आजाद हो गई। और जिसने भी उस बॉक्स को ओपन किया है वो उसके साथ ही है, तो वो चीज उनके साथ ही है, वो जहाँ जहाँ जाएंगी वो चीज उनके साथ होगी। ये बातें सुनकर एडम काफी गुस्से में आ जाता है और वो डॉक्टर क्लार्क को बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैंने आपको ये कहा था कि आप लिसा का शक दूर करें लेकिन आपने तो उसे मजीद डरा दिया। जिस पर डॉक्टर क्लार्क उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर उसी ही रात एडम के साथ कुछ होना शुरू हो जाता है जब उसे एक औरत और एक ओल्ड लेडी नजर आती है। वो दोनों उसे काफी डरा देती हैं और अब तो एडम को पूरा यकीन हो जाता है और वो फिर से डॉक्टर क्लार्क को अपने घर में बुला लेता है। और तब डॉक्टर क्लार्क
उनकी मदद करने की कोशिश करता है। अपने इस रिसर्च से उन्हें पता चलता है कि सब कुछ जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं वो इस घर की वजह से बिल्कुल भी नहीं है, और इस सब की होने की वजह वो बॉक्स था, क्योंकि उस बॉक्स में एक अननोन इविल एंटिटी होती है जिसका कोई वजूद तो नहीं होता, और ये काफी टाइम से इस दुनिया में रह रही है, और इसका मकसद सिर्फ अनबॉर्न बेबी का शिकार होता है, यानी बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देता है। और उसकी बहुत बड़ी मिसाल लीजा थी, उसके साथ भी यही हुआ था, और लीजा के साथ कोई वाकया पेश नहीं आया होता, बल्कि उसके साथ ये सब कुछ करने वाली वो इविल एंटिटी थी। यानी हमने देखा कि एडम और बिकी ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ लीजा से ही ओपन हुआ। मीन्स ये बॉक्स सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों से ही खुलता है, बाहर आते ही उस बच्चे को वो मार देता है, और जो बच्चे उसे नजर आते थे वो कोई और नहीं था बल्कि वो उसकी अनबॉर्न बेबी की टाइप्स थी, कि अगर वो इस दुनिया में आ जाती तो वो ऐसी हो, और वो बच्ची स्टेप बाय स्टेप बड़ी होकर ऐसी होती, जैसे लीजा को पहले छोटी सी बच्ची नजर आई थी, फिर उससे बड़ी, और फिर वो लेडी और ओल्ड लेडी, और वो बच्चे की ओल्ड वर्जन थी। और ये इविल एंटिटी ज्यादातर मिरर्स और पेंटिंग्स में होती थी, क्योंकि उसका कोई वजूद तो था नहीं कि वो दुनिया में रहती, और ये पावर लोगों के दिमाग को अपने कंट्रोल में करके उन्हें अजीबोगरीब चीजें दिखाती थी, और ऐसा उन तीनों के साथ कई दफा हो चुका था। और इस एंटिटी को मारा तो नहीं जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है, और उसे कैद करने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसका मतलब ये था कि अगर उस औरत को मारा जाए तो वो एंटिटी कैद हो जाए, और यही वजह थी जब पहली फैमिली में आदमी ने अपनी बीवी को मार दिया, और उनके ही घर के सामान में लीजा को वो बॉक्स बिकी ने दिया था वहां से मिला था, और जंगल में नजर आने वाली औरत उस मरी हुई औरत की सोल थी जो उस एंटिटी के साथ उस बॉक्स में कैद। लेकिन एडम लीजा को मारना नहीं चाहता था, एडम बहुत कोशिश करता है कि वो लीजा को इस मुसीबत से बचा ले, लेकिन ये एंटिटी लोगों को हिप्नोटाइज करती है और लोगों को एक दूसरे से मरवाती है। अब एडम भी हिप्नोटाइज हो चुका होता है, और वो उस आदमी की तरह लीजा को मार डालता है, और वो एंटिटी फिर से उस बॉक्स में कैद हो जाती है, और एडम जेल चला जाता है, और जाने से पहले वो बॉक्स को बिकी को देता है। और अब ये सब कुछ बिकी के साथ होने वाला था, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट, और इसी के साथ मूवी भी एंड हो जाती है।